अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। और मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से एक तरीका बताता हूं, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह अच्छा फल लाने वाले हैं या बुरा फल लाने वाले? अब किस किस्म के दरख्त हैं, अपनी जिंदगी पर हमने गौर करना है कि हम हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है, उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। खुदावन के कलाम में से आज पहाड़ी वाज खुदावन यीशु मसीह की तालीम आज हम सीखेंगे पढ़ेंगे कि आप किस किस्म के दरख्त हैं, अपनी जिंदगी पर हमने गौर करना है कि हम कौन से और किस किस्म के दरख्त हैं। हम बेफल दरख्त हैं या फलदार दरख्त हैं? हम अच्छा फल लाने वाले हैं या बुरा फल लाने वाले? ये खुदा के कलाम में से आज मुकद्दस मत्ती की अंजील और सातवां बाब 15-20 आयत जब हम पढ़ते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह झूठे नबियों के बारे में, झूठे खादमों के बारे में, झूठे लोगों के बारे में तमसील देते हैं कि अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा, हमारे साथ रहिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मत्ती की अंजील सातवां बाब और 15-20 आयत तक पढ़ूंगा। झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। 19वीं आयत में लिखा है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है, बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, सोचने की जरूरत है, अपने बारे में सोचने की जरूरत है, अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हम किस किस्म के दरख्त हैं, हम कौन से दरख्त हैं। कहीं हम वो दरख्त तो नहीं जो बेफल है? लूका की अंजील में जैसा कि लिखा हुआ है कि हर साल दरख्त के लिए ये एक मिसाल है कि हर साल फल ढूंढने आता है मालिक और उसे बेफल पाकर बिलाकर उसके काटने का हुक्म दे दिया जाता है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने यहां रियाकार लोगों के बारे में बताया है, ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो बजाहिर ईमानदार लगते हैं, बजाहिर खुदा परस्त बनने की नकल करते हैं, खुदा परस्त बनने का ड्रामा करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। लेकिन फिर वही बात है कि हम कौन से दरख्त हैं, किस किस्म के हम दरख्त हैं। हमें फलदार बनना है, हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है, और वो इंसान जो खुदा के कलाम पर अमल करता है वो एक फलदार दरख्त की मानिंद है। तो मैं आपके सामने
एक तरीका रखना चाहता हूं। अगर आप फलदार बनना चाहते हैं तो खुदा के कलाम पर अमल करें। अगर आप फलदार बनना चाहते हैं तो खुदावन की शरीयत को कबूल करें, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का जो पहाड़ी वाज है वो खुदावन की शरीयत की रोशनी में दिया गया है। तो अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है। जो नेक इंसान है, रूहानी इंसान है, उसके कामों से, उसके अमल से पता चलता है कि वो कौन सा दरख्त है। लेकिन अगर आप बेफल हैं, अगर आप बुरा फल ला रहे हैं, आपकी जिंदगी में गुनाह है, तो तौबा करने की जरूरत है और खुदा के कलाम को फरमाबरदारी से कबूल करने की जरूरत है। मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से एक तरीका बताता हूं जिसके वसीला से मेरी और आपकी जिंदगी में तब्दीली आ सकती है, जिसके वसीला से आप फलदार बन सकते हैं, और वो है जबूर नंबर 1। उसकी पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूं। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह पर खड़ा नहीं होता। फलदार जिंदगी बनाने के लिए सबसे पहला उसूल रिफाकत शराकत है। गलत लोगों के पास उठना बैठना छोड़ दें, जिस्मानी लोगों की रिफाकत को छोड़ दें और ईमानदारों की रिफाकत को अपनाएं। शरीरों की सलाह पर न चलें। आज बहुत से लोग हैं जो शरारत की सलाह देते हैं, खुदा के कलाम पर चलने नहीं देते, खुदा की शरीयत के खिलाफ बोलते हैं। उनकी सलाह पर न चलें, खुदा के कलाम को माने, तो आप मुबारक हैं। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। दूसरी आयत में लिखा है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। दूसरी बात है कि वो शख्स जो फलदार बनना चाहता है, अच्छा फल लाना चाहता है अपनी जिंदगी में, खुदा के काम को सरंजाम देना चाहता है। अगर आप फलदार बनना चाहते हैं तो दिन रात खुदावंद की शरीयत में खुशी तलाश करें, खुदावंद की शरीयत को माने, क्योंकि जो मुबारक है खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। और कलाम में लिखा है दिन रात उसका ध्यान खुदा की शरीयत पर है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कामयाब रूहानी जिंदगी गुजारेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो नदामत से छूट जाएंगे, शर्मिंदगी से छूट जाएंगे। खुदावंद की शरीयत पर दिन रात आपका ध्यान होना चाहिए। बुजुर्ग यशवा को यही कहा गया था कि उठते बैठते चलते फिरते तू ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, खुदावंद की शरीयत पर सीधा ध्यान रखना, इसी में तुझे इकबाल मंदी नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो तीसरी आयत में लिखा है, जबूर नंबर 1 और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। ये है फलदार होने का तरीका, ये है अच्छे फल पैदा करने का तरीका। वो लोग जो खुदा की शरीयत पर दिन रात ध्यान देते हैं और दिन रात उनकी खुशनुदी खुदा की शरीयत को मानने में है, जैसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप की शरीयत को माना, उसके पाबंद रहे, फरमा बरदार रहे और यहां तक फरमा बरदार रहे कि
मौत बल्कि सलीबी मौत भी गवारा की। तो खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को हरा दरख्त कहा है, वो फलदार दरख्त है, वो ऐसा दरख्त है कि जिसकी डालियों के साथ मैं और आप का वस्त है। खुदावन यीशु ने फरमाया, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। वो डाली जो फल नहीं लाती काट दी जाती है और आग में डाल दी जाती है, और वो डाली जो फल देती है, कलाम में लिखा है, यीशु ने फरमाया, मेरा बाप उसे छांटता है, उसकी कांटी छांटी करता है ताकि ज्यादा फलदार। तो खुदावन यीशु मसीह ने खुदा बाप की शरीयत पर अमल किया। मुझे और आपको भी अगर फलदार बनना है, अगर अच्छा दरख्त बनना है, क्योंकि अच्छा दरख्त ही अच्छा फल ला सकता है और बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता। अंगूर और अंजीर की यहां मिसाल दी गई है कि झाड़ियों से अंगूर नहीं तोड़े जा सकते, हमें झाड़ियां नहीं बनना। झाड़ी वो लोग हैं जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं, खुदा की शरीयत के खिलाफ हैं और बहाने बनाते हैं कि खुदा की शरीयत को किसी ना किसी तरह से रद्द करके आसमान की बादशाही में चढ़ाया जा सके। लेकिन कलाम ऐसा नहीं कहता। कलाम ये कहता है कि वो शख्स मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जिसकी खुशनुदी खुदा की शरीयत में है और दिन रात खुदा की शरीयत पर ध्यान देता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह दिन रात खुदावंद की शरीयत पर कायम रहे, इसलिए वो फलदार दरख्त बने और अच्छा दरख्त बने। सो कलाम में लिखा है कि वो उस दरख्त की मानन है जो पानी की नदियों के पास लगाया है। मेरे अजीजों, मेरे बहनों और भाइयों, अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदावंद की शरीयत को कबूल करें ताकि आप फलदार जिंदगी गुजार सकें, आप हरे भरे दरख्त की मानन जिंदगी गुजार सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।